वालेकुम अरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छी हूँ। थोड़ा सा तबीयत मेरा थोड़ा सा ढीला है, वो ढीला नहीं तो अभी जो है आजकल फ़िलहाल मैं थोड़ा सा रोस्टिंग वीडियो करूँगी, क्योंकि एक चीज़ लोग देखते हैं तो बोर हो जाते हैं। अब बात करते हैं मलार की जो लैला है उसके बारे में, रोड छाप लैला मलार की। उसके एक ब्लॉग में कल उसका जो बोबला है वो बोल रहा था जो उसका डाइट फूड है, सो कॉल्ड डाइट फूड, वैसे तो वो गंदगी वाला खाना था। इतने बड़े बड़े नेल्स लेके ऐसे 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 करके नाखून की पूरी गंदगी तो उसमें चली गई, तो वो डाइट फूड कम वो गंदगी वाला फूड ज़्यादा बन गए। एनीवेज तो बोबला जिसकी खुद की चड्डी खरीदने की औकात नहीं है, जो सोशल मीडिया में भी अपना माँ का टैग लगा के आया है और जो हर जगह अपनी माँ के पैसा ही उड़ाता है, माँ के नाम के सारे चलता है, वो बोल रहे माइट बी एक्सपेंसिव फॉर दम। अबे आठवीं पास, तुझे ठीक से जो है ना टाइटल लिखना भी नहीं आता है, टाइटल लिखने में तो गलत बोलता है और तू अभी इंग्लिश है ना, माइट बी एक्सपेंसिव फॉर दम। अबे तू खुद की चड्डी तो खरीद ले, वो भी बहुत बड़ी बात है, और किसको नीचा दिखा रहा है इब्राहिम भाई को, जो खुद के बीवी बच्चों को पाल रहा है अपने दम पे। उसके घर का जो खर्चा है हर महीने का, अभी तो फिलहाल वो लोग सोशल मीडिया में थे नहीं, तो उसका चेक शायद तेरी माँ भेज दोगे कि नहीं। पहले अपने माँ के छत्रो छाया से पेटीकोट से निकल, कोई काम जो है ना वो कर ले, मेहनत से कोई काम एक कर ले, फिर जाके रहे ना दूसरों को बड़ी बड़ी बातें जो है ना वो हाकला के माइट भी एक्सपेंसिव फॉर देम। अरे ये खाना तो तेरे लिए भी टू मच एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि तेरी जितनी भी तेरी कैपेबिलिटी है ना, मैं तो बोलूँगी जीरो टैलेंट है तेरे अंदर। तेरे को तो बोलना भी अच्छे से नहीं आता है, उससे ज़्यादा तो हम औरतें हैं जो घर संभाल के, पति संभाल के, बच्चे संभाल के, हर चीज़ संभाल के, भी यूट्यूब संभाल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाल्लाह से, और यूट्यूब से कमा भी रहे हैं और अपनी माँ का भी टैग नहीं लगा रहे, बिना माँ बाप के टैग लगा के हम सोशल मीडिया में उतरे। ठीक है, तेरी माँ की भी बजा रहे, तेरी माँ के तो सीने में आग लग रही है और सैलरी भी उठा रहे, चाहे 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने, बट उठा ज़रूर रहे हैं अपना घर धार सब कुछ मैनेज करके। तो तेरी तो औकात जो है ना हमसे भी गई गुजरे, तुझे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता, तो दूसरों को चला रोस्ट करना, दूसरों को चला नीचा दिखाना, माइट भी एक्सपेंसिव फॉर, तेरी माँ भी अगलाप मार के अगर तेरे को घर से निकाल देना, तेरा जो रिज्यूम है ना वो देख के तो शायद कोई तेरे को जॉब भी ना दे। आई बात समझ में? तेरी माँ नंगागिरी करती, उसमें तो हिस्सेदार है, इसलिए करके तुझे जो है ना सो कॉल्ड डाइट फूड मिलता है। और ऐसा डाइट करते हैं भाई, ऐसा डाइट करते हैं कि सवेरे डाइट फूड का जो है ना ड्रामा दिखाई, ताकि इमरान भाई को नीचे दिखा सके, क्योंकि इमरान भाई की बॉडी से तो उस टकले की इडली सेवन की जला हुआ है। मैंने पहले दिन बोला था, रोस्टिंग के पहले दिन बोला था कि जो है ना 23 साल का लौंडा 32 साल के आदमी के बॉडी से जल रहा है, जो 2 बेटियों की बाप है, माशाल्लाह सिमरन भाई की बेटी भी बड़ी हो चुकी है अभी, तो उसको जो है ना आग लगी है। और पता है हम जिस किसी चीज़ के बारे में तभी ज़्यादा बरबर करते हैं जिस चीज़ से हमको जलन होती है। पूरा व्लॉग आप लोग देखना, उसका पूरा व्लॉग जो है ना, बस इसका ये, उसका वो, उसका ऐसा, उसका वैसा, बस दूसरों को नीचा दिखाने में और ख़ुद की तारीफ करने में चली जाती है, क्योंकि वो अंदर से पूरी तरीके से जली हुई है। वो अगर खुद उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, उसको लिटरली कोई अगर फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये सब चीज़ों के बारे में वो बोलती नहीं पूरा व्लॉग में। हाँ एक मैं, जैसे कि मैं भी डेली व्लॉग डालती हूँ, ठीक है, हाँ उसके जैसे व्यूज़ मेरे नहीं आते, क्योंकि मैं नंगापंथी नहीं करती ना, मैं बॉडी दिखाती भाई, मैं भाई सिंपल सा छोटा सा, मेरा खुशहाल फैमिली, मेरे जो है ना फैमिली में कंट्रोवर्सी भी नहीं है कि मैं सोशल मीडिया में कि मैं गाली दे रही हूँ या फिर मेरा पति गाली दे रहा है, तो शायद मेरा डेली व्लॉग चल जाता। अब इज्जतदार लोग हैं, 2 रोटी इज्जत से सुकून से खा लेते, मियाँ बीवी 2 बच्चे, छोटी सी है खुशहाल फैमिली है, ऐसे लोग को कौन देखेगा? जिसका पति बीवी को गाली दे रहा है, बीवी पति को गाली दे रहा है, जिसका पति बीवी को मार रहा है, बीवी पति को मार रहा है, एक दूसरे को नंगा कर रहा है, तो आजकल ये मसाला ज़्यादा चलता है। ठीक है, तो हाँ यही हम बोल, मैं क्या बोल रही थी, हाँ तो वही मैं बोल रही थी, उसके पूरे व्लॉग में मैं भी कभी ना कभी जो है ना किसी टॉपिक के ऊपर बात करती हूँ, लेकिन पूरा व्लॉग जो है मेरा डेली जो रूटीन होता है, जो भी होता है वो दिखाती हूँ, फिर एक पॉइंट के बाद लास्ट पे जाके मैं जो भी अपना बोलना रहता है, चाहे मेरे रिगार्डिंग हो या फिर किसी और के रिगार्डिंग हो, मैं बोल के व्लॉग को एंड कर देती हूँ। लेकिन उसका पूरा व्लॉग सवेरा शुरू होता है, सवेरे से लेके रात तक बस हमको सना बाबी इमरान भाई को नीचा दिखाने में उसका चला जाता है, क्योंकि वो अंदर से जली हुई है। अगर वो अंदर से जली हुई नहीं होती ना, तो वो नॉर्मल से ज़िंदगी जीती। और रहा सवाल
कि भाई हम एरे गेरे, तो भाई हम जो एरे गेरे है ना, तुझ जैसी जो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, तो सेलिब्रिटी कहने आने की लाइफ नहीं है, तो सेलिब्रिटी है तो उससे तो ज़्यादा इज्जत आई गेस हमको सोशल मीडिया में मिलता है। हमारा नाम अगर कोई लेता है तो गालियों में नहीं लेता, इज्जत से लेते हैं। और हमारा अगर कोई व्लॉग देखता है ना तो हमको गालियाँ देके नहीं जाते, कमेंट सेक्शन में दुआएं प्यार इज्जत मिलती है, ठीक है। और ये रोड छाप लेला मलार की, तो क्या रहे लोगों की जो है ना मैसेजेस दिखाती इंस्टाग्राम की, तो उससे ज़्यादा मैसेजेस हमको आते हैं कई तेरी मुंबई के डॉक्टर से लेके, ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने वाले लोग से लेके, बहुत सारे ऐसे एजुकेटेड हाईली एजुकेटेड लोग जो होता है ना, मिडिल क्लास से लेके हायर क्लास के लोग तक, हम जैसे छोटे यूट्यूबर को, हम जैसे गरीब लोग को मैसेजेस करते हैं। और दिन में कुछ कुछ लोगों से हम बात भी करते, टच में भी रहते, तो क्या रहे दिखाएगी। और तेरी आदत है पता है, ये मैसेजेस जो तुझे करते ना वो भी चूतिया है, नंबर की मैं तो बोलूंगी, तो क्या दिखाती है मैसेजेस। हम तेरी तरह ना किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं करता, अगर हमको कोई मैसेज करता है या फिर हम इंस्टाग्राम पे किसी से बात करते हैं ना तो वो हम तक ही रखते हैं, हम किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं करते हैं। किसी का एक कमेंट मैंने लगाया था तो उसको अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना था, वो अच्छे से आके बोली कि आप प्लीज़ मेरा कमेंट आप पोस्ट कर सकते हैं लेकिन मेरी आइडेंटिटी रिवील ना करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तेरी तरह नंगे नहीं है, उनको सोशल मीडिया में आना नहीं होता है। बहुत सारे लोग होते जो हमको जो है ना हमसे बात करते हैं, हमसे टच में रहते हैं, लेकिन वो उनको सोशल मीडिया में आना पसंद नहीं है। तो तू क्या कमेंट, जो लोगों की कमेंट बोल या फिर लोगों के मैसेजेस दिखाएगी, तो उससे ज़्यादा मैसेजेस तो हमको आते रहे। और कमेंट की बात करती है, वो चार जो तेरे बेटे के कमेंट से ढूंढ के, जिसमें एक बोल रहा आशीष कौन है भाई, आशीष कौन है, वो चार कमेंट ढूंढ के लगा, ये जिसमें से तो लोग पूछ रहे आशीष कौन है, ठीक है। गालियों वाले कमेंट तो लगा, तेरा पूरा व्लॉग ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो कमेंट जो है ना वो ख़त्म नहीं होंगे, वो लगा तो मज़ा आए। सच्ची और अच्छी है ना, सच्ची और अच्छी बनती है। तो इंस्टाग्राम से और यूट्यूब से तुम्हारे जो गालियों वाले कमेंट है वो उठाओ, हिम्मत अगर है, किसी के बाप से नहीं डरती ना, तो अगर हिम्मत है तो वो कमेंट उठा और अपने वीडियो में पोस्ट कर, देख तू तेरे में कितना दम है। तो बोलते ना किसी के बाप से नहीं डरती, तो तेरी फटती है लोगों से, तेरी लिटरली फटती है। और ये आशीष 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 बहुत करती, लगता है आशीष तेरा नया बकरा जो है ना, तेरा नया बकरा, तेरा यार है आशीष, इसलिए बहुत नाम जो है ना आशीष 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 जगड़ा के तेरा बहुत आशीष आशीष का नाम करती है। तो आशीष का छोड़, वो तो हमको समझ में आ गया कि आशीष का तेरे पास कुछ भी नहीं, क्योंकि आशीष तेरा नया बकरा है और तू अपने जो है ना यार को दूसरों की यार बना रही है, क्योंकि दूसरों को तो करेक्टर पे दाग लगाने के लिए तेरे पास ऐसा कुछ है नहीं। अब दाग तो लगाना है भाई, लोगों को तो बताना है कि भाई ये कितनी करेक्टरलेस औरत है, तो अपने यार को जो है ना उसका यार बता रही है। तो पहले ये तो बता, तेरे बेटे की जो आइटम थी ना हंसिनी, कहाँ और चली, अर्शी कहाँ गई और क्यों गई, ये तो पहले क्लियर कर। और दूसरों का जो है ना यार मरद बताने से पहले तू ये बता, तेरी बेटी का जो यारनी गर्लफ्रेंड जो थी, तेरी होने वाली बहू, वो कहाँ गई। तेरी बेटी जिसकी जायदाद में हिस्सा था वो बिल्ली, वो कहाँ गई, ये तो बता। कोई क्लेरिफिकेशन नहीं थे, बस बाग 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 करती, 15 लाख का तो कुछ भी बात नहीं करती, बस इसको अपना 1 मिलियन कराना है यूट्यूब में ऑर्गेनिक तरीके से, ताकि जो है ना ये 1 मिलियन होगा तो उसको जो है ना पैसे मिलेंगे, मतलब व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, पैसे मिलेंगे उसको, लिए उसको ऑर्गेनिकली जो है ना 1 मिलियन कराना है। इसके लिए इसका सारा जो है ना इसका गेम यही है कि भाई ये जो है ना टॉपिक को घिसती ही जा रही है, घिसती, उसके पास कुछ नहीं है। ब्लॉग के स्टार्टिंग में बोला आशीष कौन है मैं बताऊँगी, ब्लॉग के लास्ट तक कुछ भी नहीं बताई आशीष कौन है। अरे तेरे पास होता ना तो ऐसी औरत है, तूने तो अपने पति को भी ना छोड़ी, तो रेस्पेक्ट की बात करती है। जो औरत सोशल मीडिया में खुद के पति को इतनी गंदी गंदी गाली देती है, पति के बेटे को इतनी गंदी गंदी गाली देती है, अपने पति का फैमिली को इतना नंगा करती, तो रेस्पेक्ट की बात करें। अगर तेरे पास आशीष का कुछ होता, अगर आशीष सही में सना भाभी के कुछ होता तो तू चलाने में 1 सेकंड ना लगाती। तू अगर रिहाना आंटी के पुराने पुराने वीडियोस उठा के क्रॉप कर करके तो ये बताने की कोशिश करिए लोगों को कि भाई देखो रिहाना आंटी ने ये बोला, रिहाना आंटी ने वो बोला, उसने ये बोला, उसने बोला। अगर तेरे पास आशीष का और सना भाभी का लिंकअप का कोई प्रूफ होता तो 1 सेकंड नहीं लगाती है, तो सबको पता है। आई बात समझ में। और दूसरों के जो है ना सगे वाले बहुत कुछ बोले दूसरों के बारे में, भाई सबसे बड़ा सगा तो पति है तेरा, हर औरत का होता है सबसे बड़ा सगा, मायके में वाले को मायके में जाने के लिए भी पति से पूछना पड़ता, तेरे सगे वाले ने तो बहुत बोला भाई, तू तो दूसरों की क्या बात करती है भाई, तेरे सगे वाले ने कम बोला क्या तेरे बारे में, होटल से बेडशीट चुराना, 15 लाख मैंने लेके बुढ़ी को दिया,
ये जो है ना आटा मारने के नाम पे वो सऊदी करने जाते हैं। और भी बहुत कुछ 15 दिसंबर के दिन रात को किया हुआ, तेरे सगे वाले ने सब कुछ बताया। तो ये जो है ना दूसरों के दूर दूर के रिश्तेदार या फिर गली मोहल्ले के लोगों ने क्या बोला वो सब छोड़, तेरे घर का जो भेदी है ना उसने ही तेरा लंका ढाया भाई। दूसरों के जो है ना अपने क्या बोलते, तेरे अपने ने तो बहुत कुछ बोला और हमको बकायदा बोला और बकायदा हमने रिकॉर्डिंग भी चलाई, उसके बारे में क्या कहना है अपना मोहतरमा। जुमेरात के दिन पूरा दिन चला जाता है बिना नहाए धोए, दलिंदर औरत, ये इतने गलीज औरत है भाई, इसके शरीर से बास नहीं आएगा तो किसके शरीर से आएगा। ये मुतरी एक नंबर की, उसी कपड़े से हकती है, मुतती है, सोती है, खाती, शाम को जाके दोपहर का डिनर वो लंच भी कर लिया और शाम को जाके जो है ना वो नहाई, इतनी गतारी औरत है भाई। नमाज कहाँ से पढ़ी उसने, कब क्या किया, सिर्फ दिन भर तो खाना दिखा रही थी, बाहर जाना दिखा रही, और उसका दिन भर से क्या होता है ना खाना और दूसरों की बुराई करना। उसके व्लॉग में आप लोगों को बस दो ही चीज़ मिलेगी जो कॉमन है, एक तो खाना मिलेगा, यहाँ पे जाके खाना, वहाँ पे जाके खाना, डाइट के नाम पे बाहर तो पूरा हफ्ता जंक फूड खाता ही रहता है उसका जो है ना बायला। लेकिन खाने सिर्फ एक ही चीज़, दो ही चीज़ मिलेगा, एक तो खाना, एक है हम सब लोगों की जो है ना नीचे दिखाना भाई। गाड़ी ठीक कराने में ऐसा कौन सा टैलेंट और ऐसी कौन सी तरबियत लगती है भाई, तो तरबियत की बात करती है भाई। कम से कम जो है ना इमरान भाई जो है शादीशुदा है लेकिन वो अपनी बीवी की पप्पियाँ वप्पियाँ नहीं लेता, एक बिस्तर में सोते हुए वीडियो नहीं डालता। तेरी तरबियत तो पूरी सोशल मीडिया में देखी और पूरी सोशल मीडिया तो तेरी तरबियत की इतनी तारीफ करे, वाह 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 क्या ही बोले। बिस्तर में सोना, नशा करना, माँ बाप का रोमांटिक रील्स बनाना, माँ बाप के साथ बैठ के हुक्का पीना, और हाय क्या क्या तरबियत तेरे देखी। और तेरा बेटा वो कविता नाम की एक लड़की है, उसका सारा कुछ है लेकिन मैं डाल नहीं रही क्योंकि वो लड़की है, मेरे पेट में भी एक लड़की है। किसी जो निर्दोष लड़की को मैं अगर जस्ट फॉर द व्यूज अगर उसका नाम मैं उछालूंगी या सोशल मीडिया में लाऊंगी तो मेरी बेटी को भी कल कोई नंगा करेगा, तो इसीलिए मैं खामोश बैठी हूँ। कविता नाम की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की झूठ बोल के, फिर वो सूरत वाले 3-3 बच्चों की माँ के साथ उसका टाका भी आया होता, पता नहीं क्या क्या। तो तरबियत की बात तो तू ना ही कर, और तेरी कितनी अच्छी तरबियत है वो तो पता है, लोगों के बाप पे जाती है जो इस दुनिया में भी नहीं है। रिहाना आंटी का बाप तो इस दुनिया में, अब्बा जो है वो इस दुनिया में है भी नहीं, ठीक है, तो उनके बाप को गाली देती है। तेरी तरबियत की तो बात तू ना ही कर तो ही अच्छा है। और वैसे भी जुम्मे के दिन, हाँ जैसे मैं बोल रही थी जुम्मे के दिन बस जुम्मा मुबारक बोलती, सफ़ेद कलर का कफन पहन के ही मुजरा शुरू कर देती भाई। नमाज तो मतलब होता है ना कि नमाज फ़र्ज होता है, सफ़ेद कलर का कपड़ा पहनना और मुजरा करना जो है ना वो फ़र्ज नहीं होता है, लेकिन ये उसके लिए ना ये सब बॉलीवुड मूवी चल रही है। बोलती कि मेरे बेटों को नाइट क्लब्स में तो आपने बहुत बहुत ही देखा होगा, लेकिन ज़रा इसमें भी देख ले भाई, कुर्ता पजामा पहनने से कोई रिलीजियस हो जाता है, कोई मुसलमान बन जाता है क्या? कुर्ता पजामा पहनने से बॉलीवुड मूवी चल रही, जैसे कि बॉलीवुड हर बॉलीवुड मूवी में ना मुस्लिम को बस एक ही गेटअप में दिखाया जाएगा, मुस्लिम जो लड़के होते हैं वो कुर्ता पजामा पहनते हैं, गले में एक ताबीज़ रहता है और आँखों में सुरमा रहता है भाई। हर मुसलमान जो होता है ना वो गले में ताबीज़ लटका के सुरमा पहन के कुर्ता पजामा नहीं पहनते हैं, पठानी जो होते हैं ना वो नहीं पहनते हैं। ज़्यादातर 99% जो लोग लड़के होते हैं ना वो नॉर्मल पैंट शर्ट या फिर टी शर्ट और पैंट ही पहनते हैं, ना कि सुरमा आँखों में लगाते और ना ही जो है ना गले में ताबीज़ लगाते। तो उसका भी बॉलीवुड मूवी चल रहा है बॉलीवुड मूवी की तरह, कुर्ता पजामा पहन ली, नमाज तो तुम लोग पढ़ते हो नहीं। और वैसे भी नमाज तो कैसे पढ़ेगी भाई, तुझे तो ये भी नहीं पता कि तेरा बाप है कौन। चलो रिहाना आंटी का बाप अगर रोड छाप है ना, चल तुझे तो इतना तो पता है कि चलो रिहाना आंटी का बाप है और कौन है, लेकिन तू तो हर जगह बस अपनी माँ की जो है ना प्रदर्शन करती रहती है, हर जगह बस अपनी माँ का नाम और अपना माँ का फोटो जो है ना वो चिपकाती रहती है, बाप का फोटो कभी ना दिखाए। खैर होगा तो दिखाएगी ना, तो तुझे पता होगा बाप कौन है तभी तू ना दिखाएगी, तो लाजमी सी बात है। अब जिसको ये भी ना पता उसका बाप कौन है, उसको कैसे पता होगा कि वो पैदाइशी मुसलमान है कि हिंदू है, तो नमाज वगैरह तो कहाँ से पढ़ेगी। अब मुजरा तो ज़रूर दिखाती है, वो तो दिखाएगी ना भाई, पुराना धंधा कोई कैसे छोड़ सकता है, और पुराना धंधा कोई छोड़ भी दे लेकिन असर तो रह जाता है ना भाई, तो मुजरा तो बनता है। क्या बात है, क्या बात है। और बुढ़िया बोलती कि मेरा बेटा जो है वो वायला नहीं है, इंस्टा की पब्लिक फिर यूट्यूब की पब्लिक जो है कन्फर्म करे। तो इंस्टा की पब्लिक और यूट्यूब की जो मेरी पब्लिक है, आप लोग ये ज़रा कन्फर्म करना और ये ज़रा नोट करना भाई, उसका बेटा बायला है,
के मर्द है उसको कैसे पता, इसका मतलब तो यही है ना भाई। इसका जो है ना स्टैम्प जो बीवी लगाती है, जैसे कि सना भाभी ने लगाया और दो दो बच्चे भी है बकायदा से, बड़ी वाली बेटी तो माशाल्लाह से जो है ना इमरान भाई की तरह देखती है, तो उसमें तो स्टैम्प लगाने की जरूरत नहीं है। बट इसके जो है ना इंस्टा की पब्लिक और यूट्यूब की पब्लिक कन्फर्म करना, इसके जो आइटम है ना उसको छोड़ के क्यों भागी, अगर वो मर्द है तो क्यों छोड़ के भागी। और भाई ये उसकी जो माँ है वो ही कैसे कंफर्म कर सकती है कि इसका बेटा बैला नहीं मर्द है। यूट्यूब की पब्लिक और इंस्टा की पब्लिक ये कंफर्म करना कि बुड्ढे ने जो बोला था 15 दिसंबर के रात को माँ बेटे को सोते हुए देखा है, ये सच है। और ये और इसका बेटा जो है ना बायला बेटा, वो गुलू गुलू करते हैं तभी जाके इसको पता है कि इसका बेटा मर्द है कि बायला है। इंस्टा की पब्लिक और यूट्यूब की पब्लिक ये कंफर्म करना, कंफर्म तो हम नहीं बोलते हैं, कंफर्म करना ज़रूर कि इसकी माँ को उसका बेटे का स्टैमिना पता है। इसका मतलब ये है कि ये अपनी बेटी की, मतलब इसका बेटा इसका लेता होगा, है कि नहीं है भाई। और वैसे भी तो लॉजिक लॉजिक की बात करती, कि मैं तो बात करती तो लॉजिक की बात करती, मैं बकवास करती नहीं, वैसे नहीं करती वैसा करती। एक काम कर मोहतरमा, तू ना बुढ़ी हो चुकी है तो शायद तेरे को चश्मे की ज़रूरत है, मेरे को बोलना। हम अगर नत्थू खेले सही, बट हम जो है ना हम अगर किसी से विनती करें, अनुरोध करें, रिक्वेस्ट करें तो कोई हमको मना नहीं करता। तो मैं मरियम आंटी, रिहाना आंटी या फिर सना भाभी, इमरान भाई किसी से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि तेरे को एक चश्मा ला के दे, ताकि तू अपने कमेंट सेक्शन से कमेंट जो है वो पढ़ सके, क्योंकि बुढ़ी हो चुकी है ना 65 साल की, तो तुझे तो अभी चश्मा लगता ही होगा, पैसे की वजह से तू चश्मा नहीं ले पा रही होगी, क्योंकि तेरा सारा पैसा था खाने में मुँह पोतने में चला जाता, क्योंकि तू दिखेगी तभी तू दिखेगी, है ना। तो एक चश्मा ले लेना और देखना तेरे कमेंट्स में तुझे समझ में आएगा कि तू कितना लॉजिक की बात करती है, कितना बकवास करती है। इसकी जो पूरी पिक्चर है ना तेरे सामने आ जाएगी, क्योंकि ये पूरी पब्लिक, इंस्टा की पब्लिक भी कन्फर्म करती है और ये यूट्यूब की पब्लिक भी कन्फर्म करती है कि तू एक नंबर की बेहया है, बेशरम है, और तुझे ना बकवास करती रहती है, तेरे बातों में कोई दम नहीं, तो झूठी है, तो मक्कार है, तो करेक्टरलेस है, और तुझे है ना लुटेरी दुल्हन है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंस्टा और यूट्यूब की पब्लिक कंफर्म करती है। बाकी ही तो अपना कमेंट सेक्शन एक बार चश्मा लगा के चेक कर लेना, तो शायद तुझे नज़र आ जाए कि इंस्टा की और यूट्यूब की पब्लिक क्या कंफर्म करती है, कि तू कितनी लॉजिक की बात करती है, कितनी बकवास करती है। सवेरे से रात तक तू बकवास ही करती है। ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई है तेरा नया टेक्निक है 1 मिलियन कराने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए, कि आशीष कौन है मैं आज आपको बताऊँगी। फिर दिन भर रहती है बक 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 चालू, वही पिंच करना, पोक करना, इंसल्ट करना, गिराना, ये वो। मेरे बेटे ने गाड़ी ठीक करवाया, देख बैले मेरे बेटे। गाड़ी ठीक कराना बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात नहीं होती है, जिम्मेदारी की बात होती किसी और से शादी करके उसका उसके साथ बच्चा पैदा करके उनको जो है ना सालों साल तक पालना पोसना, उनकी हर ज़रूरत पूरी करना, उसको बोलते हैं मर्दानगी और उसको बोलते हैं अच्छी तरबियत। तो दूसरों को क्या नीचे दिखा रही, तू खुद नीचे गिर रही, और हमको जो है ना तेरे को जो है ना बेइज्जत करने का जलील करने का मौका तो दे रही है, ठीक है। तो अपनी तारीफ और अपने बेटे की तारीफ पूरे व्लॉग में तो करते रहते हो, दूसरों को नीचा दिखाते, इसलिए दिखाते हैं क्योंकि तुझे पता है कमेंट बॉक्स में इंस्टा के पब्लिक और यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में जो है ना यूट्यूब की पब्लिक जो है ये कन्फर्म करती है कि तू और तेरे जब बेटा है वो नकारा नालायक निठल्ले है। तो इसलिए अपनी तारीफ तो खुद को ही करना पड़ेगा, कोई करता नहीं तो खुद को भी करना पड़ेगा। और दो चार कमेंट उठा के वो अच्छे अच्छे वाले डाल देते जो कि तेरा बेटा ही फेक अकाउंट से आके कमेंट करता है। अगर दम है ना तो इंस्टा की पब्लिक और यूट्यूब की पब्लिक को ये कंफर्म करा, उनके जो कमेंट सेक्शन है ना, मैं तेरे को बोलती हूँ कौन कौन तेरे को कमेंट करते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चलो नाम रिवील मैं नहीं करती हूँ, और उनमें साधु लोग तो हमारे साथ जुड़े हुए भी है, उनकी कमेंट सेक्शन से कमेंट, तेरे कमेंट सेक्शन से उनकी कमेंट उठा और लगा, और मैं तेरे को वादा करती हूँ वो लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे अगर तेरे में दम है तो। तो चलिए भाई, ये रहा आज का एक छोटा मोटा सा ब्लॉग, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, दुआ की दरख्वास्त है। और हाँ, 7 नंबर गली की बात तो भूल ही गई यार, कि 7 नंबर गली में जो है ना तेरे जो स्ट्रगल दिखा है भाई, 7 नंबर गली के लोग जो है ना हर एक बच्चा जानता है, मैं भूल गई दिमाग से पॉइंट्स निकल जाता है, हर एक बच्चा जानता है तो क्या करती है और क्या नहीं करती, तेरा करेक्टर कैसा है। तो 7 नंबर गली जो है ना तेरे स्ट्रगल पीरियड की जो है ना गवाही नहीं है, तेरे जो है ना जवानी में जो तूने गुल खिलाया है और जिसको फूल निकले कहाँ कहाँ से है, तो वो 7 नंबर गली वाले जो है ना तेरे पूरे कच्चे चिट्टे खोलते हैं,
सात नंबर गली के लोग ही आके हमको बताते हैं, इंस्टा की पब्लिक जो है ना कंफर्म करते हैं डीएम करके। तो ये सात नंबर गली जो बोलते हैं ना, वहाँ पे तेरे जो है ना ईयाशी के बहुत राज दबे हुए आई बस समझ में। और बाकी सारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, फिलहाल 20 मिनट होने वाला है, व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, उन सब पॉइंट्स के बारे में आप लोग याद दिलाते रहना, मेरे दिमाग में भी है, अगले व्लॉग में बात करेंगे उसके नए व्लॉग के साथ। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें, दुआ की दरख्वास्त है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो यार, कमेंट नहीं करते हो ना तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता, फिर कट दे जाओ। इंस्टा की पब्लिक और यूट्यूब की पब्लिक की कंफर्म करूँगा कमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो चलिए फिलहाल अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें, दुआ की दरख्वास्त।